भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पूरे प्रदेश में मतदाता पुनरीक्षण का अभियान शुरू किया गया है, जिसमें 18 साल से उम्र के नव मतदाताओं के नाम जोड़ने का काम शुरू किया गया है। इसी क्रम में पोहरी शासकीय लक्ष्मी सरस्वती गोपाल कृष्ण महाविद्यालय में मतदाता पुनरीक्षण के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें SDM राजन बी नाडिया, कॉलेज प्राचार्य सहित नगर परिषद क्षेत्र के BLO मौजूद थे। SDM ने सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर नव मतदाताओं के नाम जोड़ने का काम शुरू किया गया है। जिन मतदाताओं की 18 साल की आयु पूर्ण हो गई है, मतदाता सूची में नाम जुड़वाएं। इस दौरान कार्यक्रम में महाविद्यालय प्राचार्य AP गुप्ता के साथ नगर परिषद क्षेत्र के BLO व छात्र छात्राएं मौजूद थे। सबसे महत्वपूर्ण काम है गवर्नमेंट को चुनना, वो सब लोकतंत्र में ही संभव है। राजतंत्र के अंदर बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि राजा का बेटा राजा बनेगा, चुनने का अधिकार आपको बिल्कुल नहीं। सिर्फ लोकतंत्र की ऐसी व्यवस्था है जिसमें आपको चुनने का अधिकार है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट की वो इकाई होती है जो पूरे देश का विकास करती है। बजट कौन लेके आएगा? गवर्नमेंट बनाएगी। रेलगाड़ी कौन बनाएगा? एयरपोर्ट कौन बनाएगा? जितना भी विकास होने वाला है कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। यदि आपका नाम वोटर सूची में नहीं है तो आप चुनाव की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। पहली चीज, अगर आप इतने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, 100 से ज्यादा बच्चे हैं जिनका नाम नहीं है, तो हम ऐसे निकाले इसी पौधी के अंदर ही, अगर मैं कैंप लगा लूँ बैराड में, परीक्षा में, यहाँ पर छात्र में जाके, तो कल तक 1000-2000 बच्चे निकल आएंगे, क्योंकि बिल्कुल नवीन मतदाता है। क्योंकि आप मतदाता है नहीं, उसके मतदाता नहीं है तो आपके पास आएगा नहीं बात करने के लिए, क्यों आएगा कोई? अगर आप वोटर है, उसको वोट देने वाले किसी सांसद को विधायक बनने वाले के लिए, तो आपके पास आएंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपकी जो मांग होगी उसको पूरा करने का आश्वासन दिया जाएगा।